राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि जो कुछ दिग्विजय सिंह ने कहा है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में वो उनके निजी विचार हैं, वो पार्टी का मत नहीं है, उसे पार्टी से दूर रखा जाए। दिग्विजय के बयान से कांग्रेस सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और अपना पक्ष रखने का दिग्विजय सिंह को पूरा हक है, लेकिन ये उनका निजी बयान ही माना जाए। सेना कुछ भी करे, सबूत की जरूरत नहीं है, ये भी राहुल गांधी ने स्पष्ट किया। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि सेना के शौर्य पर कोई सवाल ही नहीं उठता है और हम सेना की शक्ति को मानते हैं, उस पर पूरा भरोसा करते हैं। कांग्रेस दिग्विजय के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा। ये दिग्विजय का निजी बयान है। कांग्रेस पार्टी है, ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश अंग्रेजों, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजिशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। और इस बीच आपको ये दिखा देते हैं कि दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या कुछ कहा था, जिसको लेकर ये पूरा विवाद है और इस पर रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। पुलवामा, जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी ना संसद में उन्होंने पेश की, ना जनता के सामने रखी। कांग्रेस पार्टी में कह दिया गया कि यह पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो कोई सामान्य कार्यकर्ता है क्या? वो पार्टी के महामंत्री हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई नई बात है क्या? और आज अखबारों में साफ छपा है कि उन्होंने फिर अपने उस कमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की और जयराम रमेश जी पत्रकार को हटाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उन्होंने ट्वीट करके उसी स्टैंड को दोहराया। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, ये शर्मनाक है।
तो कल भी जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय सिंह मीडिया से बात कर रहे थे, तब अचानक जयराम रमेश ने इसी तरह, जैसा कि आज, दिग्विजय सिंह को माइक से दूर कर दिया और मीडिया से बात करने से रोक दिया। नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भगवद गीता और यू रीड द उपनिषद, यू विल सी इन इट, इट्स रिटन द ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन, द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट। सो यू कैन बैन, यू कैन सप्रेस द प्रेस, यू कैन कंट्रोल द इंस्टीट्यूशंस, you can use CBI, ED, all this stuff, but the truth is the truth. Truth is shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and, you know, oppression and frightening people. You can control the institutions. You can use CBI, ED, all this stuff, but the truth is the truth. Truth is shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and, you know, oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. JK Newswire से अश्विनी कुमार, JK Newswire से अश्विनी कुमार, आपको जवाब मिल गया मैडम, JK Newswire से अश्विनी कुमार है नहीं, जम्मू स्टेट लाइन से जुनेद हशमी। राहुल जी, ये जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा, आपने कहा कि भारत को जोड़ने के लिए है, अगर ये आपके भारत को जोड़ने के लिए आपकी यात्रा है और आपके छवि के परिवर्तन के लिए नहीं है, तो जिस समय आप लखनपुर में आए वहां पर डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह भी आए थे और अन्य कई और जम्मू में क्षेत्रीय दल हैं, जिन क्षेत्रीय दलों ने, जो क्षेत्रीय दल आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते थे, लेकिन एक तो उनका अनादर किया गया, उन्हें आपने स्टेज पर नहीं बुलाया, और उसके बाद बाकी जो यहाँ के दल हैं उनमें से किसी को आपने आमंत्रित भी नहीं किया, उसमें गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी है, तो जानना चाहूंगा कि अगर आपकी छवि के परिवर्तन के लिए यात्रा नहीं, लाल सिंह जी ने यात्रा को सपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पर बैठे थे लोग, 90% of them are already in the Congress. So up now, I think there's only Gulam Nabi Azad ji on that side. So I don't know if you want me to ada karo him, I will ada karo him also. No problem. My respects to Gulam Nabi ji. Daily taskeen se, and I apologize for any hurt. तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा करते हैं, लेकिन इस बीच जयराम रमेश भी कैसे मीडिया के लोगों को बातचीत करने से रोक रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। बट फिर एनआईएस ऑलरेडी प्रेसिंग पे तो चार्जशीट दे दी है आपके बयान से, दैट इज अ बल्की चार्जशीट दैट सेज द 19 पीपल वेयर इन दैट चार्जशीट इंक्लूडिंग मसूद अजहर हैंडीवर का पाकिस्तान। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, अभी 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 प्रधानमंत्री, अभी 10 मिनट के बाद, 10 मिनट अभी जरा मूवमेंट होने दो। नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी डाइवर्ट, दिग्विजय जी सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर क्या, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, अरे पीछे हटो रे यार, हटो जाने दो। नमस्कार।
नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम सुनील भट्ट है, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से। राहुल जी, आप लगातार कन्याकुमारी से आ रहे हैं, पदयात्रा करके आ रहे हैं, आप बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, आप महंगाई का विषय उठा रहे हैं, लेकिन कल मंच से जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, जो आपत्तिजनक बयान दिया, आपको नहीं लगता कि जो आपने अब तक इतनी मेहनत की है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया एक कॉमेंट से? राहुल जी, पूरा प्रश्न सुन लीजिए। दूसरी बात राहुल जी, कई विषय हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस पर आप सरकार को कॉर्नर कर सकते हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा, तब अधीरंजन चौधरी साहब वहीं बैठे थे। ब्रदर, आर यू पॉलिटिकल एडवाइजर और यू जर्नलिस्ट? सर, लिसन टू माय क्वेश्चन, लिसन टू माय, इट्स नॉट अ क्वेश्चन सर, आई एम कमिंग, यू आर गिविंग अ स्पीच। नहीं नहीं, लिसन टू माय क्वेश्चन सर, आई एम सेइंग दैट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस that it was the Modi government which provided jobs to the Kashmiri Pandit youth. And he said, he asked Adhir Ranjan Chaudhary, he challenged him that aapne kitne diye hain mujhe zara bataiye. But the fact is that it was Manmohan Singh's government which gave these jobs. Lekin aapki party ke paas tathya nahi, aap counter kyun nahi kar paate sarkar ko? In fact, ye aankda hamare paas hai, ye aankda humne rakha hai. Kal कश्मीरी पंडित का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई। कश्मीरी पंडित के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है, वो सब उन्होंने बोला। और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, ठीक है? तो और उसको हम दोहराते रहते हैं। नेटवर्क न्यूज 18 से, व्हाट वाज द पहला सवाल? नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक द यात्रा हैज achieved something fundamental and very powerful. What the Yatra has done already, and this cannot be changed now. It has shown that there are two visions of India. One is a hate-filled, arrogant, cowardly vision, and another is love-filled, embracing, brave vision. And it has made those two visions absolutely crystal clear. Right, millions of people, not just myself, millions of people have walked across the breadth of this country. They have supported this yatra, and this yatra has changed.